तो इस वीडियो में जो हम नेटवर्क स्पीड टेस्ट करने वाले हैं आईफोन 13 वर्सेस गैलेक्सी ट्वेंटी वन एफ तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम करेंगे 2.4 पॉइंट फोर गी गार्ड्स वाई फाई जो है उखला पे मैं अपलोड डाउनलोड स्पीड बताऊंगा फिर 5 गी गार्ड करेंगे और फिर जो है मोबाइल डेटा पे हम चेक करेंगे तो अभी जो है आप देख सकते हो टू पॉइंट फोर गार्ड जो है दोनों फोन कनेक्टेड है तो अभी जो है जाते हैं उकला ऐप में और यहाँ पर जो है हम पहले जो है मैं शुरू करता हूँ आई फोन से तो यहाँ पे और जो आ, मेरा जो नेट कनेक्शन इसमें मैंने अपलोड डाउनलोड मतलब स्पीड जो ली है मैंने पैक वो लिया है फोर्टी एम का तो उसके अराउंड स्पीड आनी चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप आ, आईफोन में जो है डाउनलोड में जो है टू पॉइंट फोर गी के कनेक्शन में थर्टी नाइन पॉइंट फाइव एम बी पी एस आ रही है और अपलोड में जो है थर्टी टू एम बी पी एस आ रही है स्पीड अभी कम हो गई अभी ओके okay, उतने तक आ जाएगी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड में भी जो है अराउंड 39 तो अच्छी स्पीड है अराउंड 40 एम का प्लान है उस हिसाब से अभी चेक करें कि गैलेक्सी एस ट्वेंटी वन में करते गो और दोनों के दोनों फोन में जो है प्राइस डिफरेंस है आपको वो भी मैं बता देता हूँ ये फोन हमने खरीदा है बिग बिलियन डे में 56,000 का ये खरीदा है 35,000 का तो वो भी आ, बात आप ध्यान में रखिए तो ये दे रहा है डाउनलोड में 39.8 नाइन पॉइंट और अपलोड में भी दे रहा है 41 तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी अपलोड स्पीड ज़्यादा अच्छी निकल के आई है एज़ कम्पेयर टू आईफोन तो एक काम करेंगे फिर से जो है हम इसे टेस्ट करते पहले इस बार करेंगे गैलेक्सी में तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेकंड टाइम जो है गैलेक्सी एस ट्वेंटी वन एफ फाइव जी में जो है टेस्ट की थी तो यहाँ पे डाउनलोड आ रही है 40.2 पॉइंट अपलोड आ रही है 40.3 पॉइंट अभी क्या करेंगे वापस एक बार टेस्ट करेंगे आईफोन 13 में टेस्ट अगेन देखते सेकंड टाइम जो है कितना जो है रिज़ल्ट कम या ज़्यादा आता है स्पीड में डाउनलोड एंड अपलोड दोनों में तो यहाँ पे जो है डिक्लाइन कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलर आ रहा है रिजल्ट डाउनलोड में थोड़ा सा मुझे लगता है स्पीड यहाँ पे ज़्यादा लिए इस बार आईफोन थर्टीन ने और अपलोड यहाँ पे आप देख सकते हो थर्टी नाइन पॉइंट फोर और अभी अभी अगर आप यहाँ पे हम करते इसे कैंसिल दोनों को और यहाँ पे जो है हम देखते हैं दोनों के रिजल्ट्स जो दो बार हमने टेस्ट किए तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ, ओके यहाँ पे तीन बार यहाँ पे मैंने किया है तो यहाँ पे यहाँ से हम देखेंगे जो सेम टाइम पे हमने किया था तो यहाँ पे जो हमारी डाउनलोड थी आपको देख आप देख सकते हो एस ट्वेंटी वन एफ फाइव जी में ज़्यादा थी अपलोड भी एस ट्वेंटी वन एफ फाइव जी में ज़्यादा थी सेकंड टाइम की तो यहाँ पे और ज़्यादा जो है एस ट्वेंटी वन एफ फाइव जी में डाउनलोड स्पीड बढ़ी अपलोड स्पीड भी जो है थोड़ी सी कम हुई है एक एम से उसी के कंपेरिजन में लेकिन आईफोन के कंपेरिजन जो है गैलेक्सी एस ट्वेंटी वन एफी फाइव जी ने जो है दोनों भी बार भी जो है अपलोड डाउनलोड स्पीड जो है ज़्यादा अच्छे से तो अभी आप काम करेंगे अब दोनों को जो एक साथ जो है गो करेंगे स्टार्ट करेंगे फिर देखेंगे कौन सा फ़ोन जो है ज़्यादा जो है स्पीड खींचता है तो चलते चलिए करते स्टार्ट वन टू थ्री एंड गो तो दोनों को जो एक साथ मैंने जो है टच किया था तो पहला जो सर्वर यहाँ पे गैलेक्सी एस ट्वेंटी वन एफ ए ने जो है पकड़ लिया लेकिन जो स्पीड है वो आपको आई फोन थर्टीन में ज़्यादा देखने मिल रही है तो आप क्लियरली देख सकते हो ट्वेंटी अभी जो है इसकी डाउनलोड स्पीड की टेस्ट होने के बाद जो है यहाँ पर थोड़ी स्पीड बढ़ी लेकिन फिर भी जो आईफोन के कंपैरिजन में जो है कम स्पीड जो आपको गैलेक्सी एस ट्वेंटी वन में देखने मिलती है जब दोनों साइड बाय साइड फ़ोन चालू रहते हैं कुछ डेटा वगैरह डाउनलोड करने में वगैरह तभी आपको जो ये नोटिस होगा अदरवाइज नहीं नोटिस होगा और अपलोड में मैं कहूंगा कि गैलेक्सी जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया एक काम करते करते फिर एक बार टेस्ट अगेन एक काम करते दोनों को वापस एक बार जो है साथी में जो है स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं इसे करता हूं कट वन टू थ्री एंड गो तो दोनों को अगेन जो है मैंने साथ ही में जो है स्टार्ट किया है सैमसंग जो है पहले स्टार्ट करता है स्पीड टेस्ट लेकिन जो है स्पीड ज़्यादा उतनी देखने नहीं मिलती लेकिन आईफोन जो है धीरे 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 स्पीड ज़्यादा जो है पकड़ना शुरू करता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे भी जो आपको जो है और डाउनलोड में जो है आईफोन में ज़्यादा स्पीड देखने मिल रही है आपको और अपलोड में भी अभी देखते हैं अपलोड में अभी देख सकते हो इसकी मतलब टेस्ट खत्म होने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो है ओके तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो सेकेंड टाइम एक काम करते हैं, फिर एक बार जो इसे स्टार्ट करते हैं दोनों को साथ में करेंगे वन टू थ्री एंड गो तो अभी ये थर्ड टाइम कर रहे हैं हम दोनों को साथ में कर रहे हैं ऐसा नहीं कि इसे फर्स्ट और इसे बाद में इसे फर्स्ट या फिर इसके बाद ये दोनों को साथ में ही कर रहे हैं ताकि आपको पता चले क्योंकि बहुत लोगों को डाउट है कि जो है वाईफाई स्पीड जो है कैसी है गैलेक्सी एस ट्वेंटी वन एफी फाइव जी की तो बहुत अच्छी स्पीड है मैं लास्ट थ्री फोर डेज़ से फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं और अभी तो मैं आईफोन 13 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो आपके डाउट्स जो है क्लियर होने चाहिए तो यहाँ पर अगेन जो है अपलोड डाउनलोड स्पीड जो है सिमिलर आई है और अपलोड स्पीड देखते हैं यहाँ पे अपलोड स्पीड मैं कहूँगा अभी देखिए यहाँ पे बढ़ रही है आई फोन थर्टीन में तो यहाँ पे आई अपलोड स्पीड जो है आई फोन थर्टीन में थोड़ी सी ज़्यादा है अभी जो है यहाँ पे डिटेल रिज़ल्ट भी है यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे आप डिटेल रिज़ल्ट भी यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से तो अभी जो है हम मैं आपको जो है सारे इसके जो है रिज़ल्ट दिखा देता हूँ कितने बार हमने टेस्ट किया यहाँ पे आप देख सकते हो इतने बार जो है दोनों फ़ोन टेस्ट हो चुके हैं और यहाँ पे आप स्पीड भी देख सकते हो साइड बाय साइड कौन सा फ़ोन जो है ज़्यादातर टाइम विन हुआ है और ये जो है टू पॉइंट फोर गी गार्ड्स पर तो अभी हम क्या करते हैं इंस्टेंटली स्विच करते हैं फाइव जी गार्ड्स वाई फाई पर ठीक है तो जाते हैं वाई फाई में वाई फाई वाई फाई ये हमने कर दिया गैलेक्सी एस ट्वेंटी वन फाइव जी को फाइव जी को कनेक्ट और आई फोन थर्टीन भी हो चुका है फाइव जी को कनेक्ट ओके Yes, 5G 5G तो अभी जो है 5G पे एक बार उकला जो है स्टार्ट तो यहाँ पे जो है हम काम करेंगे पहले मैं आईफोन थर्टीन को टेस्ट करता हूँ 5G पे करते गो और फोर्टी Mbps का ही प्लान है मेरा अगे मैं आपको बता देता हूं तो जितनी स्पीड चाहिए उतनी यहाँ पे जो है मिल रही है डाउनलोड स्पीड 40 एम अपलोड स्पीड देखते हैं एक बार तो ये भी जो है अराउंड 39. नाइन पॉइंट ओके फाइव तो अभी टेस्ट करते हैं गैलेक्सी एस ट्वेंटी वन एफ फाइव जी को फाइव जी कार्ड्स फाई फाई से जो है दोनों फोन कनेक्टेड है तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन 40 एम की जो है जितना मेरा प्लान है उतने की जो स्पीड यहाँ पे देखने मिल रही है अभी जो है यहाँ पे अपलोड देख सकते हो आप ये भी अराउंड 41 वन यहाँ पर दिखा रहा है जो कि आईफोन से बेटर है अपलोड में तो ये फाइवी गार्ड्स पे तो अभी हम एक काम करेंगे दोनों को जो है एक साथ जो है ऑन करेंगे टेस्ट के लिए वन टू थ्री एंड गो दोनों के वाईफाई से कनेक्टेड है और दोनों को एक साथ जो है मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे आप अपलोड डाउनलोड स्पीड में देख सकते हो आईफोन ने थोड़ा ज्यादा नंबर यहाँ पे दिया है मैं 32 एमबीपीएस जबकि गैलेक्सी गैलेक्सीड ट्वेंटी सेवन एमबी दिया है। और अपलोड में जो है उल्टा हो गया 37 सेवन जो है हमारे गैलेक्सीन एफ फाइव जी ने दिया और जो अपलोड में आईफोन 13 है वो कम दे रहा है तो एक काम करेंगे फिर एक बार टेस्ट करेंगे लास्ट टाइम वन टू थ्री एंड गो तो अगेन मुझे लग रहा है कि सेम रिजल्ट हो सकता है दोनों फोन में तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्वेंटी नाइन डाउनलोड स्पीड गैलेक्सी ट्वेंटी वैन फी में देखने मिलेगी और डाउनलोड स्पीड यहाँ पे एस एस ट्वेंटी एन से ज़्यादा देखने मिल रही है आई फोन में अपलोड स्पीड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सैमसंग में देखने मिल रही है एम बी पी और अभी iPhone में बढ़ती जा रही है अपलोड स्पीड देखते कितनी ज़्यादा बढ़ती है 25.9 Mbps तो 5G पे जो हमने दो बार दोनों फ़ोन को टेस्ट किया अगर मैं आपको डिटेल रिजल्ट दिखाओ दोनों के तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये दो दो बार जो है हमने 5G पे दोनों को टेस्ट किया तो यहाँ पे आप जो है दोनों के रिजल्ट देख सकते हो डिटेल रिजल्ट आपको दोनों की दिखाता हो लास्ट टेस्ट के तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ, सिमिलर चलेंगे कुछ ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस आपको जो देखने नहीं मिलेगा दोनों भी फ़ोन में तो ये बात भी जो आपको ध्यान में रखनी है तो अभी क्या करेंगे हम दोनों फोन को टेस्ट करेंगे मोबाइल डेटा पे दोनों के जो है वाईफाई में बंद कर देता हूँ बैकग्राउंड नॉइज़ को आप इग्नोर कीजिए तो ये देख सकते हो आप तो यहाँ पे मोबाइल डेटा ऑन किया मैंने आईफोन में यहाँ पे मोबाइल डेटा ऑन कर रहा हूँ मैं गैलेक्सी में सिम टू में और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों सिम यहाँ पे जो है अच्छा खासा यहाँ पे आपको सेल्युलर रिसेप्शन मिल रहा है दोनों जो है ड्यूएल वोल्टी सपोर्ट करते और कैरियर एग्रीगेशन भी आप यहाँ पे जो है प्लस साइन देख सकते हो LT प्लस का तो अभी जो हम करेंगे दोनों की मोबाइल डेटा पे और नेटवर्क स्पीड टेस्ट तो यहाँ पे जो मैं पहले क्लिक करूँगा गैलेक्सी एस ट्वेंटी वन फाइव जी पे तो जियो फोर जी है मुझे पता नहीं जियो फोर जी को कितना एम बी पी एस मतलब वगैरह स्पीड मिलती है वगैरह तो यहाँ पे आप देख सकते हो जियो फोर जी में जो आपको अच्छी खासी स्पीड मिल रही है डाउनलोड में अराउंड नाइन्टी अब नाइन्टी एम बी पी एस चला गया था अब यहाँ पे नाइन्टी एम बी पी एस की डाउनलोड एटी नाइन एम बी पी एस की डाउनलोड स्पीड मिल रही है जियो फोर जी पे और अपलोड स्पीड जो है बहुत कम है यहाँ पे आप देख सकते हो 25 फाइव जो है आपको देखने मिल रही है जियो 4G पे इसमें भी दोनों में जो है जियो के सिम ही है ऐसा नहीं कि इसमें एयरटेल इसमें जियो है तो अभी टेस्ट करेंगे आईफोन 13 में तो आईफोन 13 में यहाँ पे हमें डाउनलोड स्पीड जो है बहुत कम देखने मिल रही है अभी तो एस ट्वेंटी वन एफी फाइव जी के कम्पेरिजन में ये जो है अबाउट सिक्सटी एम बी पी एस भी नहीं जा रहा है जबकि गैलेक्सी एस ट्वेंटी वन एफी फाइव जी ने जो एटी नाइन पॉइंट नाइन एम बी पी एस की स्पीड निकाल के दी थी अपलोड में जो आप यहाँ पे अगेन देख सकते हो जो एस ट्वेंटी वन एफी फाइव जी के कम्पेरिज़न में जो है uh, यहाँ पे हमें जो है आई फोन थर्टीन में जो है सेवन एम बी पी एस की जो है अपलोड स्पीड यहाँ पे देखने मिली मैं एक काम करता हूँ फिर एक बार जो इसकी आई फोन थर्टीन की सेटिंग चेक करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है यहाँ पे स्पीड में एक बार मैं चेक करता हूँ तो अभी मैं फिर एक बार जो है अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों में जो है कितना डिफरेंस देखने मिल रहा है तो मैं एक बार क्या करता हूँ टेस्ट अगेन करता हूँ इस बार फर्स्ट हम टेस्ट करेंगे मोबाइल डेटा पे 4G पे आईफोन 13 पे अभी देखते हैं ये कितना अपलोड और डाउनलोड स्पीड आपको देख देता है तो इस बार जो है लास्ट टाइम से थोड़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे मुझे डाउनलोड स्पीड देखने मिल रही है बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है लेकिन अभी अगेन वो कम हो चुकी है स्पीड अभी तो ये 50 एम के भी ऊपर नहीं गया लास्ट टाइम अबोव फिफ्टी गया था और अपलोड स्पीड सिमिलर है लास्ट टाइम जितनी सेवन एम आई थी लास्ट टाइम तो अभी जो है बिलो सेवन दिख रही है मुझे अभी करेंगे एस ट्वेंटी एन एफ जी में मोबाइल डेटा स्पीड टेस्ट और लास्ट टाइम जो है यहाँ पे एस ट्वेंटी एन एफ जी में जो हमें अबउ एटी नाइनटी एम बी की डाउनलोड स्पीड मिली थी जबकि इस टाइम बहुत कम देखने मिल रही है तो मुझे पता नहीं सर्वर जो है कुछ चेंज वगैरह हो रहा है बार बार उसके वजह से ये कुछ चीज़ें जो है मैं कम ज़्यादा देखने मिल रही है अपलोड डाउनलोड स्पीड में यही होता है मोबाइल डेटा के साथ जो आपको कनेक्टिविटी मिलती है स्पीड में वो जो है कॉन्सटेंट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू वाईफाई तो यहाँ पे जो है अपलोड स्पीड और कम देखने मिल रही है तो अभी आपको जो है दोनों के आ, डिटेल रिजल्ट जो दिखा देता हूँ मैंने दो टाइम जो है मोबाइल डेटा पे दोनों को टेस्ट किया तो ये जो टू टाइम्स आप देख रहे हो ये मोबाइल डेटा पे हमने जो है टेस्ट किया है दोनों को साइड बाई साइड आप यहाँ पर देख सकते हो तो फर्स्ट टाइम जो दोनों फ़ोन ने अच्छे रिजल्ट दिए थे और विनर रहा था हमारा एस ट्वेंटी वन एफ पी फाइव जी ओके यहाँ पर जो है मुझे पता नहीं आईफोन क्यों यहाँ पे वाईफाई का साइन दिखा रहा है जबकि जो है इसका वाईफाई हमने बंद कर दिया था और मोबाइल डेटा पे ये कनेक्टेड था लेकिन सेकेंड टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो कि आईफोन ने जो थोड़ी डाउनलोड स्पीड यहाँ पर ज़्यादा दी थी और अपलोड स्पीड भी जो ज़्यादा दी थी तो एक काम करेंगे अभी दोनों में जो है हम साइड बाय साइड जो है मैं दोनों में जो क्लिक करूंगा मोबाइल डाटा स्पीड चेक करने के लिए फाइनली वन टू थ्री एंड गो तो दोनों भी जो है अभी अपने नेटवर्क से कनेक्टेड है जियो फोर जी में और दोनों में जो है मैंने एक साथ जो है क्लिक कर दिया है स्पीड चेक करने के लिए और यहाँ पे जो है आईफोन ज़्यादा डाउनलोड स्पीड अभी के लिए तो मुझे दिखा रहा है सैमसंग में जो है थोड़ी थोड़ी डाउनलोड स्पीड बढ़ रही है लेकिन आईफोन में बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो तो डाउनलोड स्पीड जो है ट्वेंटी फाइव एम बी पी एस एस ट्वेंटी वन फाइव जी में सैम आईफोन थर्टीन में जो है थर्टी टू एम बी पी एस अपलोड स्पीड यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों की सिमिलर रिजल्ट आएंगे अपलोड स्पीड में थ्री थ्री एम बी पी एस है फिर एक बार दोनों को टेस्ट करते हैं लास्ट टाइम मोबाइल डेटा पे जियो फोर जी दोनों में वन टू थ्री एन गो सैमसंग जो है फर्स्ट स्टार्ट करता है लेकिन जो है स्पीड में मतलब उतनी ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिलती है एज़ कम्पेयर टू लास्ट रिजल्ट आईफोन बाद में स्टार्ट करता है लेकिन जो है स्पीड जो है आपको ज़्यादा दिखा के जो है रिजल्ट सबसे पहले दे, दे देता है मतलब सैमसंग से पहले दे, दे देता है और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो जो है आई ने जो है थर्टी वन एम की जो डाउनलोड स्पीड दी है जबकि सैमसंग ने ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट एम की डाउनलोड स्पीड दी है जियो फोर पे दोनों में और अपलोड स्पीड अगेन आईफोन की यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने मिल रही है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी एस ट्वेंटी वन एस फाइव जी अभी लास्ट टाइम मैं टेस्ट करूँगा वन टू थ्री एन गो तो यहाँ पे जो है मुझे इस बार गैलेक्सी में भी जो है ठीक ठाक जो है डाउनलोड स्पीड देखने मिल रही है लेकिन अगेन आईफोन में जो है आ, पाँच नंबर पाँच या दस नंबर से जो आईफोन ज़्यादा की स्पीड दिखा रहा है और बढ़ रही है स्पीड आईफोन में अब ये अराउंड 49 नाइन एम बी चला गया डाउनलोड स्पीड में तो ये थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है लेकिन मोबाइल डेटा पे आपको जो है कॉन्सटेंटली जो है सेम स्पीड नहीं मिलेगी क्योंकि सर्वर टू सर्वर भी जो है डिफर करता है अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टाटा प्ले फ़ाइबर दिखा रहा था इसका कुछ और सर्वर दिखा रहा था तो उसकी वजह से जो है आपको स्पीड में जो है डिफरेंस देखने मिल रहा है अगर मैं इसे अगेन टेस्ट करूँ तो आप अगेन टेस्ट करता हूँ अभी यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा प्ले फाइवर से जो है इसे कनेक्शन मिल रहा है इसे जो है जियो के नवी मुंबई वाले से जो है कुछ कनेक्शन मिल रहा है तो इसकी वजह से जो है स्पीड में जो है आपको फ़र्क जो है देखने मिल सकता है लेकिन जो है आपको जो है रिज़ल्ट जो है सिमिलर देखने मिलते हैं ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलता है वाईफाई के रिज़ल्ट में लेकिन मोबाइल डेटा पे जो है आपको आईफोन ही आगे देखने मिल रहा है मैं अभी जो है आपको मोबाइल डाटा के सारे रिज़ल्ट जो है एक ही बार में दिखा दूंगा ये लास्ट टाइम जो है मैं टेस्ट कर रहा हूँ मोबाइल डेटा पे तो आप देख सकते हो तो गैलेक्सी एस ट्वेंटी वन ईफी में जो है आपको अच्छी कनेक्टिविटी देखने मिलती है जैसे बहुतों को डाउट था कि एस ट्वेंटी एन एफ फाइव जी में जो है किस तरह से कनेक्टिविटी देखने मिलती है स्पेशली एक्सनोस वेरिएंट में तो यहाँ पे जो अच्छी कनेक्टिविटी देखने मिल रही है कॉल क्वालिटी हो सेलूलर रिसेप्शन हो या फिर वाईफाई कनेक्टिविटी हो ब्लूटूथ हो हॉटस्पॉट हो सारी चीज़ें जो है वायरलेस में जो आती है वो सारी जो आपको गलेक्सी एस ट्वेंटी फाइव जी में अच्छी देखने मिलती है तो एल्टी यहाँ पे आप देख सकते हो एल टी मतलब जो हमने मोबाइल डेटा पे स्पीड टेस्ट की थी दोनों की नेटवर्क स्पीड टेस्ट उसके सबके रिज़ल्ट है और नीचे जो है के है ये फाइव जी के है, और स्टार्टिंग में जो है ये जो है वो सारे जो है 2.4 पॉइंट फोर गी के वाईफाई के रिजल्ट है तो ये सारे रिजल्ट है दोनों के दोनों फ़ोन के साइड बाय साइड आप देख सकते हो और आप पता कर सकते हो कि आपके हिसाब से जो है आपको कौन सा फोन ज़्यादा बेस्ट लगता है दोनों में जो है प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बिग बिलियन डे में अगर आप खरीदना चाहो तो भी ये फिफ्टी में आ रहा है और ये जो थर्टी में आ रहा है तो अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी का दोनों में डिफरेंस है वो आप बात आपको ध्यान में रखनी है और रेगुलर सेल में भी जो है इसकी प्राइसिंग होती है फोर्टी टू फिफ्टी और इसकी प्राइसिंग होती है सिक्सटी टू सेवेंटी फिर भी जो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने मिलता है दोनों के प्राइसिंग में तो उस हिसाब से जो आपको फोन सिलेक्ट करना है कि आपके हिसाब से जो आपके लिए कौन सा बेहतर है आईफोन थर्टीन या गैलेक्सी एस ट्वेंटी वन एफ मिलते हैं अगले वीडियो में